इतना जोरदार नहीं है, उन्होंने बोला है कार्रवाई चल रही है, हम वो कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें बनती कार्रवाई वो की जाएगी, लेकिन हम इतना कोई सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी ये उनका काम है, शायद उनको लगता होगा कि लेट करने से शायद कोई किस तरह से क्या देखते हैं, कोई किसी पार्टी का जो है उन पर दबाव है कि बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो तो है ना, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सत्ता में हैवी हैं, आपको पता है J&K कौन चला रहा है, तो वो तो है ही है, वो तो अंधे को भी दिखता है। किस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही तो है, मणिपुर में आप देख लीजिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहलवान कितनी देर बैठ बूट के बेचारी उठ गई हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई, तो यही है कि यहाँ पे वही होगा शायद, मेरे को लग रहा है। बाकी देखिए, हमें बड़ा ये यकीन है जनाब SSP पे कि ये अच्छे हैं, शायद कोई कार्रवाई करेंगे यहाँ कठुआ पुलिस। ऑल इंडिया पे जो इंडिया नाम का एक संगठन बना है, ऑल पार्टी संगठन, उसी के बैनर के नीचे हम PDP की तरफ से सारे ऑल पार्टी के जो लीडर हैं, लोग हैं, आए हैं SSP साहब से मिलने के लिए। कुछ दिन पहले बनी हुई एक बहुत ही दुखद बात हुई, घटना हुई कि एक कांग्रेस की एक उभरती हुई लीडर के साथ बदतमीजी की गई, लेकिन पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ, उसी सिलसिले में आज हम जो मिलने के लिए आए थे। अगर जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, SSP साहब से बात की है कि इसको पोलिटिसाइज नहीं किया जाए, अगर जो पोलिटिकल प्रेशर होगा तो फिर हम आगे क्या रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ऑल पार्टी जो है वो यूनाइट है, अब डिवाइडेड हाउस नहीं यूनाइटेड हाउस है, तो यूनाइटेड हाउस के तहत क्या अगला हम रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर SSP साहब जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम जो है वो आपको मीडिया के थ्रू बता दिया जाएगा। ये सच में एक ऐसी घटना है जो हमको शर्मसार करती है, पूरे जम्मू कश्मीर के रियासत के लोगों को, बहन बेटियों को, जो भी बनी में हुआ हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए हमारी रियासत के अंदर ऐसे माहौल पहले नहीं था, हमारे यहाँ पे बहू बेटियों की एक इज्जत थी, उनको माँ की निगाह से बहन की निगाह से देखा जाता था, लेकिन आज एक बहन जो लोगों का मसला लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई और वो लोगों के लिए आई, कि लोगों की मुश्किलात के लिए आई, वो अपने पर्सनल मैटर के लिए नहीं आई, फिर उसको उसका साथ देने के बजाय उसको गालियाँ दी गई, उसके साथ व्यवहार गंदा व्यवहार किया गया, ये बहुत गंदी बात है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, RJD, हम सब इकट्ठे इस मुद्दे को लेके चले हैं, और अभी हमने SSP साहब से बात की, SSP साहब ने हमें रूल के मुताबिक बताया कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। क्या लगता है ये इसका, वो SSP साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं हमें जितने भी हमारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, हम कानून को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, जब भी वो कार्रवाई पूरी होगी वो जाहिर की बात है कि वो अंदर होंगे। मंडोत्रा ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी, आज हमारा यहाँ पे ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो SSP साहब से मिलने आया था, जिसमें NC के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे, PDP के भी थे, RJD के भी थे, और भी अन्य दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे साथ गए हुए थे, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस की कायर राजपूत, उसके साथ जो है मिसहैंडलिंग की गई है, उसको बड़ी अव्यूजिव जो लैंग्वेज है वो निकाली गई है, अव्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके अगेंस्ट, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले हमेशा यही नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार, जैसे मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ कि मणिपुर में भी वो जो महिलाएं थी वो पहले पुलिस के पास गई कि हमें बचा लो, लेकिन उसका जो रिजल्ट था बाद में आउटपुट क्या निकली कि बाद में ये बयान ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि पुलिस भी बचाने में जो है असमर्थ रही। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को शय मिले, क्योंकि अगर वहाँ कोई इंसिडेंट हुआ वहाँ से हमें सीखना चाहिए, और यहाँ पे जो कार्य ये ऐसे लोग कर रहे हैं इनको शय ना मिले,
उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उनको अंदर करना चाहिए। विश्वी किस तरह देखते हैं, पहले भी एक बार ब्लॉक दिवस के दौरान हम आए थे इसी चीज को लेके आए थे कि जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट है, एक के बाद एक जो इंसिडेंट है उस हमारी कार्यकर्ता के साथ हो रहे हैं। हो सकता है कल को कोई इससे भी बड़ा इंसिडेंट ना हो, उसके लिए हमने सिक्योरिटी की मांग भी की है कि उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि दो बार इंसिडेंट हो चुका है। आप किस दिन का वेट कर रहे हो कि जिस दिन कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाएगी उसके बाद आप बोलोगे कि हम सिक्योरिटी देने वाले थे, उसको सिक्योरिटी भी दी जाए। और रही बात की किसकी शह, ये तो सबको पता है कि इस समय पूरे देश में किसकी शह चल रही है, भाजपा की शह से ये सारे काम हो रहे हैं। अगर भाजपा की इसमें शह नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे कि एक साइड वो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब इस प्रकार के कार्य कृत्य होते हैं तो उनका स्टैंड किस तरफ है, क्या वो अपने नारे की साइड है या इन लोगों के समर्थन में है। जिस प्रकार मणिपुर में वो किया गया, जिस प्रकार हमारी महिला जो पहलवान थी उनके साथ किया गया, उनके बारे में आके बोलिए ना कि आप किसके समर्थन में हो, अपने नारे के समर्थन में हो या इन अपराधियों के समर्थन में हो।